Hey guys, welcome back to the AR YouTube channel. और साल 2011 जब एक प्लेन का लैंडिंग गियर खराब हो गया, इस प्लेन को लैंड कराने के लिए एक ट्रक का इस्तेमाल किया गया। प्लेन का व्हील सीधा इस ट्रक पर टचडाउन किया। इसके बाद किसी तरह से इस प्लेन को रोक दिया गया। आज के इस वीडियो में हम पूरी कहानी का ब्रेकडाउन करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि अभी अभी हमने देखा कि प्लेन का नोज व्हील अटक गया। इसके बाद इस प्लेन को एक ट्रक के ऊपर लैंड करा दिया गया। कुछ ही देर में ये प्लेन सक्सेसफुली रुक गया। इस प्लेन के पायलट कौन थे नहीं पता, कितने पैसेंजर्स बैठे हुए थे नहीं पता, कहां से कहां तक उड़ान भरा था ये प्लेन नहीं पता, किस एयरलाइन कंपनी का था ये प्लेन नहीं पता, कौन सा मॉडल का था ये प्लेन नहीं पता। कुल मिला के कहा जाए तो हमें इस कहानी के बारे में कुछ भी नहीं पता। पर ऐसा क्यों? वेल, ऐसा इसीलिए क्योंकि ऐसा कोई प्लेन था ही नहीं। ये वीडियो क्लिप सिर्फ एक ट्रक का एडवर्टीजमेंट है जिसे जरूरत से अधिक स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश किया गया है। लेकिन YouTube में बहुत से ऐसे महागुरु हैं जो इस एडवर्टीजमेंट को सच्ची घटना बताकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। खैर, हम अपने पॉइंट पर आते हैं। इस एडवर्टीजमेंट में मस्त सिनेमैटिक शॉट्स दिखाया गया है। कितने अच्छे तरीके से नोज पर फोकस किया गया है। ऐसे शॉट्स को रियल में फिल्माना इम्पॉसिबल है। ऐसा करने के लिए हेलीकॉप्टर को प्लेन के साथ साथ नजदीक से होकर उड़ाना पड़ेगा। अगले शॉट्स में हम देख सकते हैं प्लेन और ट्रक के साथ साथ कैमरा भी मूव हो रहा है। ऐसे क्लिप को रियल में सिर्फ आयरन मैन ही शूट कर सकता है। खैर, इन सब बातों को रखते हैं साइड में और बात करते हैं कि क्या ऐसा रियल में करना पॉसिबल है। अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। दोस्तों, एक प्लेन के वेट का 80-90% भार मेन लैंडिंग गियर ही संभालता है, जबकि 10-20% भार प्लेन का नोज व्हील संभालता है। ये 10% भले ही सुनने में कम लगता हो, पर ये सिर्फ 10% भी बहुत अधिक होता है। इस क्लिप में निसान फ्रंटियर ट्रक दिखाया गया था जिसका मैक्सिमम लोड 690 केजी है, और इस क्लिप में जो प्लेन दिखाया गया है वो कुछ कुछ बोइंग 727 जैसा लग रहा है। इस प्लेन का वेट 80,000 से लेकर 95,000 केजी तक हो सकता है। इट मीन्स 10% के हिसाब से प्लेन के नोज व्हील का वेट 7,000 से 10,000 केजी तक हो सकता है, जबकि ये ट्रक सिर्फ 690 केजी भार उठा सकता है। 690 और 10,000 केजी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जैसे ही ये प्लेन ट्रक के ऊपर टचडाउन करेगा, वैसे ही इस ट्रक का चकनाचूर हो जाएगा। ऐसे में प्लेन भी अनबैलेंस होके क्रैश हो सकता है। सीधे सीधे कहें तो अगर कोई प्लेन का नोज व्हील किसी ट्रक के ऊपर टचडाउन करता है तो लिखवा लो मेरे से 90% चांस है कि वो क्रैश हो जाएगा। प्लेन में बैठे सभी लोगों की जान जा सकती है। और ये सब बात मैं हवा में नहीं बोल रहा, इतिहास में बहुत सारे ऐसे हादसे हो चुके हैं जब एक प्लेन का लैंडिंग गियर खराब हो गया हो। 4 वीडियोस तो मैंने खुद बना के रखा है कि कैसे एक प्लेन को लैंड कराया जाए अगर लैंडिंग गियर ही जाम हो जाए। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस काम को इम्पॉसिबल बना देगा। बोइंग 727 ऑलमोस्ट 150 से 160 नॉट्स के स्पीड में लैंडिंग करता है, मतलब कि 277 किलोमीटर पर आवर से 296 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। प्लेन को ट्रक में लैंड कराने के लिए ट्रक को भी प्लेन के स्पीड के बराबर रन करना पड़ेगा, और ऐसा कर पाना इम्पॉसिबल है क्योंकि प्लेन का स्पीड 277 किलोमीटर पर आवर से भी अधिक होगा, जबकि इस ट्रक का मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है। मतलब कि कोई चांस ही नहीं बनता कि ये ट्रक प्लेन के स्पीड की बराबरी कर पाए। और चलो एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि ट्रक प्लेन के स्पीड की बराबरी कर लेता है, लेकिन इतने स्पीड को गेन करने के लिए ट्रक को दूर से स्ट्रेट लाइन में रन करना पड़ेगा। पर एयरपोर्ट में रनवे के पीछे उतनी जगह होती ही नहीं कि ट्रक अपना स्पीड मेंटेन कर पाए। इसीलिए इस क्लिप में कुछ इस तरह से दिखाया गया है कि एक ट्रक मुड़ के आता है और प्लेन की स्पीड की बराबरी कर लेता है, जबकि ऐसा करना इम्पॉसिबल है। 270 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में अगर कोई ट्रक इतना तीखा मोड़ लेता है तो वो पलट जाएगा। कोई चांस ही नहीं बनता कि वो प्लेन की बराबरी कर पाए। खैर, अब इस छोटे से क्लिप पर इतना लेक्चर दे ही चुके हैं तो थोड़ा काल्पनिक लेक्चर भी दे ही देते हैं। इसके बाद सब क्लियर हो जाएगा।
सपोज हम एक ऐसे ट्रक का निर्माण करते हैं जो बहुत मजबूत हो, कैप्टन अमेरिका के शील्ड के जैसे वेट को संभाल सके और ये ट्रक बहुत फास्ट भी हो, ठीक फ्लैश के जैसे। अब एक प्लेन आता है जिसके नोज व्हील में प्रॉब्लम हो चुकी है। अब सुपर हीरो की तरह एंट्री होती है हमारे ट्रक की। यहाँ पर बहुत बड़ा चैलेंज आ सकता है कि ट्रक को सेम स्पीड में रन कराते हुए प्लेन के नोज व्हील को ट्रक के ऊपर कैसे टचडाउन कराया जाए। प्लेन के टचडाउन के बाद भी काफी देर तक प्लेन का नोज ऊपर ही रहता है, लेकिन टचडाउन के बाद प्लेन का रिवर्स थ्रस्ट ऑन हो जाता है, मतलब कि जेट इंजन का प्रेशराइज्ड एयर आगे की ओर बहने लगेगा। इसके बाद ये प्रेशराइज्ड एयर सीधे ट्रक को धक्का देकर अनबैलेंस कर देगा। इसके पहले कि प्लेन का नोज ट्रक के ऊपर लैंड करे, ये ट्रक अनबैलेंस हो जाएगा। अगर पायलट रिवर्स थ्रस्ट को ऑन नहीं करता है तो ओवरहीटिंग के कारण प्लेन का पिछला टायर फट सकता है, इसमें आग भी लग सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो प्लेन के टायर का मलबा फ्यूल टैंक से भी टकरा सकता है और एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। कॉनकॉर्ड प्लेन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। टेक ऑफ के दौरान प्लेन का टायर ब्लास्ट हो गया और इसका एक टुकड़ा प्लेन के विंग से जा टकराया। इसके बाद देखते ही देखते प्लेन आग के लपटों में घिर गया। सीधे सीधे कहें तो प्लेन के नोज को ट्रक में लैंड कराने का आइडिया बहुत ही बकवास है। इससे अच्छा तो प्लेन नोज के बल ही लैंड कर जाए। प्लेन का ढांचा इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ऐसे इमरजेंसी लैंडिंग को भी आसानी से झेल सकता है। कोई जरूरत नहीं ट्रक को घुसेड़ने की। आप सब एक बात अपने दिमाग में डाल लो कि इस धरती पर लगभग 100 सालों से प्लेन उड़ान भर रहा है। इन 100 सालों में आज प्लेन इतने एडवांस हो चुके हैं कि चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए पायलट प्लेन को हैंडल कर सकता है, बशर्ते पायलट खुद कोई गलती ना कर दे। अलोहा एयरलाइन तो आपको याद ही होगा, इस प्लेन का छत ही उखड़ के अलग हो गया था, फिर भी ये प्लेन सुरक्षित लैंड कर गया। इससे बड़ा एग्जांपल और मैं क्या ही दूं? प्लेन इजिली वाटर में, नदी, समुद्र कहीं भी लैंड कर सकता है, क्योंकि प्लेन के टैंक में भरी हवा प्लेन को डूबने नहीं देगा। ये प्लेन शिप की तरह भी तैर सकता है, चाहे प्लेन का सारा इंजन डेड ही क्यों ना हो जाए, तब भी प्लेन ग्लाइड करके एयरपोर्ट तक पहुंच सकता है। इन सब टॉपिक्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अफवाहों पर भरोसा ना करें। अगर कोई वीडियो क्लिप या ऐसी कहानी आपको नजर आती है तो तुरंत ही हमें इंस्टाग्राम पर बताएं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, हम उस कहानी का पर्दाफाश करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।